हम लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ तो शॉर्ट नोटिस के अंदर आप सभी लोगों को इस तरह वार्ता का आमंत्रण किया और आप सभी लोग यहाँ पर आए, आपका स्वागत और धन्यवाद। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश के अंदर पिछले कर पार्टी के बहुत बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने दामन थामा, लोकतंत्र के अंदर जो खरीद और जो दुआब की राजनीति है वो बड़ी चरम सीमा पर है। एक पार्टी खरीदने को तैयार रहती है और दूसरी पार्टी के नेता बिकने को तैयार रहते हैं। ये प्रदेश के लोगों के साथ चलावा हो रहा है और इस तरह की जो राजनीति है कांग्रेस और भाजपा की, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब कांग्रेस को वोट देना सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। जिस तरह से ईडी और सीबीआई के जवाब का हवाला देकर कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये दबाव क्या है? ईडी और सीबीआई का दबाव क्या है? डर क्यों है? किस लिए? मतलब कुछ गलत किया है। और भारतीय जनता पार्टी बौखला दी है, उनको पता लग चुका है कि वो सत्ता से बाहर होने जा रही है, इस तरह से वो ये माहौल तैयार करने जा रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आई है और प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को पहला विकल्प मानकर हिमाचल प्रदेश में सत्ता के रूप में अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करना चाह रही है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के दो कार्यकारी अध्यक्ष हमारे पास आ चुके हैं और कांग्रेस ने चार कार्यकारी अध्यक्ष जिसलिए बनाए थे भी कांग्रेस ही करती है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के हालात बदत होते जा रहे हैं उसी तरह से प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। तो माँ बेटी की जो सरकार है जिस तरह से ना तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ना तो युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है और प्रदेश का युवा और महिला उनका मोह भंग हो चुका है और आम आदमी पार्टी की ओर जो प्रदेश की जनता है वो चकचकी जाए रहती है। इसीलिए मेरा आज का जो मुख्य उद्देश्य था प्रेस वार्ता करने का यही था और आप लोगों के माध्यम से कोटा की जनता को, हिमाचल प्रदेश की जनता को ये आग्रह करना था कि कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में खत्म हो चुकी है। आज जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के मध्य पूरे प्रदेश में होने जा रहा है। बाकी आपके कोई सवाल बारे में कोई आपकी आज ये देखिए मुझे तो पता नहीं है, मैं कौन देश से आया हूँ, ये उनका अपना फैसला है जो आप मुझे बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता लगे जो आप बता रहे हैं, ये उनका अपना फैसला हो सकता है। आपने प्रयासन किए उनको मुख्यधारा में अपने साथ मिलाने के? देखिए हमने कोशिश की और काफ़ी सारे लोगों से मिले भी थे, उनके संपर्क में थे, उनसे बातचीत की, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर भी रहे हैं और धीरे धीरे आप लोग भी वो लोग आएंगे। बाकी मनमुटाव रहता है, आप देखिए हर पार्टी में रहता है, अब किसी का क्या फैसला हो सकता है, क्या उनका हित है, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। हमारी जो कोशिशें थी पार्टी हाईकमान की जो कोशिशें थी वो लगातार निरंतर हम करते रहे और बाकी उनका अपना फैसला है कि वो क्या करना चाहते हैं वो उनके ऊपर। निश्चित तौर पर जो पार्टी के जो नियम कायदे हैं पार्टी अपनाए चलेगी। मनीष भाई इसके अलावा मेहता जी और इंदर सिंह मिक्का, मेहता जी और इंदर सिंह मिक्का कहाँ हैं? इंदर सिंह मिक्का और मेहता जी कहाँ हैं इस समय? नहीं देखिए उनसे भी कल हम मिलने गए थे आदर्श मेहता जी से। किन किन से मिलने गए थे? जो लोग हैं किन किन से मिलने गए? आदर्श मेहता जी से मिले, उनसे गए थे, उनसे उन्होंने बातचीत की है, जो वहाँ के स्थानीय वहाँ के उनसे बातचीत करी और धीरे धीरे आप देखेंगे आएंगे और जो दूसरे हैं उनसे भी हमने बातचीत की और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब पचास पैसा लगेगी जब कैंपेन जब पूरे रफ्तार पकड़े तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कोई यहाँ दौरा तो नहीं है? आने वाले समय में आने के बाद चार मिनट लगे अभी हमने लोग कैंपेन है, जो मीटिंग है, हमारे जो प्रोग्राम है आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे और मनोज मान जी यहाँ पर आएंगे। आपको कितने वर्ष हो गए कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में राजनीति करते हुए? कि 25 वर्षों से हम लगातार 25 वर्षों में क्या आपको ये आभास नहीं हुआ कि सुखराम की बी टीम का आम आदमी में प्रवेश हो चुका था और वो आपको तोड़ने के लिए आए थे यहाँ? ये देखिए
की तो जो बातें हैं आपको पता है, तो सब लोगों को पता है निश्चित तौर पर कौन आया कैसे आया कि पार्टी हाई कमान को जिन जिन लोगों ने बताना था उन लोगों ने बताने की कोशिश भी की थी और उसके रिजल्ट भी आपको पार्टी के नियम और कानून के विरुद्ध जाकर के एक पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित कर दिया उसके बाद यह बोलना सड़क पर बैठ करके कि ये गलत आदमी को टिकट दिया है, क्या ये पार्टी में फूट डालने की नीति नहीं थी? नहीं, ये निश्चित तौर पर है, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखेंगे प्रत्यक्ष तौर पर कोई व्यक्ति अगर सामने खड़ा होगा तो कार्रवाई उसके बाद होती है। ठीक है, मन की वेदना हर किसी व्यक्ति की होती है, वो बता सकता है, उसके अंदर की जो ज्वाला है वो फूट सकती है, कहीं भी उसको गुस्सा हो सकता है, वो कहीं भी जाहिर कर सकता है। आने वाले